इज डिजिटल कंसोल इज अ कंप्लीट न्यू वन, देख लो पहले यहाँ पे 92 किलोमीटर शो कर रहा है, जो कि भाई 92 किलोमीटर नहीं है क्योंकि 6000 प्लस किलोमीटर मेरा स्कूटर ऑलरेडी चल चुका है। Hey guys, what's up? This is your one and only Dipanjan and you guys are watching another Dan Dipangama. तो टुडेज ब्लॉग इज ऑल अबाउट एनटॉर्क। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे कि भाई एनटॉर्क दिखाओ, फिर से एनटॉर्क दिखाओ, तो ठीक है भाई, दिस वीडियो इज अबाउट एनटॉर्क। आज हम करवाएंगे एनटॉर्क का थर्ड सर्विस, जो कि होता है 6000 किलोमीटर में। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ चेंज भी करना है, लाइक पीछे का ब्रेक शू खराब हो गया है, ब्रेक का जो लॉक होता है वो काम नहीं हो रहा है। मीन्स डेफिनेट से बात है कि ब्रेक शू अगर खराब होगा तो वो काम नहीं करेगा, एंड ऑयल भी चेंज करेंगे, एंड सब कुछ जो चीज़ होता है सर्विसिंग में वही करेंगे। अभी शोमिक सर के साथ बात हो गया, एंड राइट नाउ आई मीन हाजरा अभी चलाएगा रौनक मेरा स्कूटर। एज यूजुअल मैं बहुत टायर्ड हूँ अभी, सो भाई लेट्स गो एंड एंजॉय द सिनेमैटिक्स। चलो ना के जिंजीरा बाजार में, यही है जिंजीरा बाजार, एंड चलो जी देखते हैं अंदर जाके शूट करने देते कि नहीं देते। एक उधर वेटिंग इन कस्टमर लाउंज एंड चेक तो हो रहा है इंटॉर, कभी देखते हैं क्या कुछ चीज चेंज होगा इंटॉर में, ऑयल वेल सब कुछ चेंज होगा। एंड अभी इधर आई मेट टू ऑफ माय सब्सक्राइबर, एंड सो व्हाट्स योर नेम? विप्लव। अच्छा विप्लव, तुम्हारा? सुमन। सुमन, थैंक यू सो मच। लोग आके बोलते हो ना कि हाँ हाय दीपांगमा, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी कहीं भी देख रहे हो मुझको तो प्लीज़ आके बोलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कुछ बोलना चाहते हो इन कैमरा? सडन मीट, बहुत ही अच्छा लग रहा है दीपांगमा के साथ मिलकर, ही इज अ नाइस गाय। थैंक यू सो मच। देखते हो ना वीडियो? हाँ बहुत। अच्छा बस वही करो प्लीज, एंड लाइक भी करते हो ना वीडियो? ओके, तो सजेस्ट भी कर दो फ्रेंड्स लोगों को कि हाँ दीपांगा मगर एक चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब मार दो। हाँ, देखते रहो दीपांगा मगर को, बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाता है, टैलेंटेड है हमारा लड़का। अच्छा अच्छा, एंड सेम ही लोकलिटी का है हम सब लोग, तो गो लाइक एंड सब्सक्राइब, एकदम गो लाइक एंड सब्सक्राइब टू दीपांगा। थैंक यू सो मच गाइस। ऑन कैमरा बोलो #Gamayans एक्चुअली नीड ए हेयर कट, पर आज तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं होगा, तो जॉब कार्ड बना लिए एंड सबमिट भी कर दिए। इतने सारे प्रॉब्लम्स है इंटॉर्क में, सब कुछ नोट करके वो जॉब कार्ड में मैं डाल दिया। अभी देखते हैं कब तक मेरे को मिलता है, एंड वहाँ पे रेव कर रहा है अपाची, तो 6:30 से 7 के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली मिलना चाहिए। अभी क्या बताया भाई, हो सकते हैं लेट भी हो सकते हैं, एंड मैं रिक्वेस्ट किया कि इंजन ऑयल प्लीज़ मेरे सामने चेंज करो क्योंकि वो मेरे को व्लॉग में दिखाना है, एंड सिंथेटिक ऑयल इज़ रिकमेंडेबल फॉर TVS इंटॉर्क। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कहाँ जाना है तो डोंट नो, क्योंकि गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं है, एंड सेम टी शर्ट दिखा दे भाई, 20 पार्टन सेम टी शर्ट, ऐसे प्लानिंग नहीं था, ऐसे ही हो गया। क्यों क्यों पहना तू ये वाला टी शर्ट आज? अरे सब गामायंस है ना, सब ये गामायंस यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई। तो ठीक है, अभी लेते कुछ ऑटो और नहीं तो उबर। उबर लेने का भाई पैसा नहीं है क्योंकि यूट्यूब से अच्छा पेमेंट स्कीम ही नहीं है पूरा। क्या बोले भाई, अभी उबर नहीं ऑटो से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी रोक एक ऑटो को रोक, मिलते हैं डायरेक्ट आके इधर ही मिन्स TVS का वर्क स्टेशन में, तब तक ये अंधेरा हो जाएगा, इतना उजाला नहीं रहेगा यहाँ पे, तो चलो भाई डायरेक्ट मिलते हैं फिर से यहाँ पे आके। सो यस, बैक टू TVS सर्विस स्टेशन, मिन्स TVS का सर्विस स्टेशन। ये TVS का सर्विस को लेके जितना बोले उतना ही कम, क्योंकि हमेशा फैसिलिटीज मिलता है, ऐसा नहीं कि आम यूट्यूबर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरे को मिलता है, पर सभी लोगों को मिलता है। मैं जितने सारे लोगों को यहाँ पे आने देखता हूँ सभी लोग खुश होके ही जाते हैं, क्योंकि बताएंगे आज खुश होने का रीजन क्या है, डेफिनेटली बताएंगे। अभी मिलने तो स्कूटर मींस लिटिल कब मिलते, तो तेरे को क्या लग रहा है? मींस लिटिल को भी देख के बहुत अच्छा
ओके भाई, रौनक भी बोल दिया कि बहुत अच्छा, और अभी डायरेक्ट पता चल जाएगा। हाँ पता चल जाएगा, अभी यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, आराम से जाके कहीं पे बताएंगे कि क्या कुछ चेंज आया है एंड उसके बाद क्या कुछ बिल भी आए। और अभी इंजन ऑयल चेंज हो रहा है मेरा डिटेल में, वही दिखा दे। तो आप लोग देख लो यहाँ पे इंजन ऑयल चेंज हो रहा है मेरा स्कूटर में, एंड ये TVS ट्रू फोर्स कुट्टा करके कुछ इंजन ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल है। अच्छा पुरोटाई की एखानी ढाला है ना, हाफ हाफ व्यापार है, 880 ml दिखे तो इधर पे 880 ml डालने वाला है मीन्स इंजन ऑयल, एंड उधर 120 ml। तो ऐसे करके बैलेंस करके आपको डालना है एंड थोड़ा बहुत वेट वेट करके देखो। This is the condition of my and all means my little right now, and पीछे का चक्का खोल गया यहाँ से क्योंकि अभी ब्रेक शू दोनों ही चेंज होगा रेयर पोर्शन का। इंजन ऑयल ऑलरेडी डाल दिया स्कूटर में, सिंथेटिक TVS का जो इंजन ऑयल आता है, इंजन ऑयल का कंडीशन देख लो बहुत ही ख़राब है, पूरा एकदम ब्लैक हो गया है। थोड़ा बहुत टायर का कंडीशन दिखाते हैं आप लोगों को, देख लो इट्स वेरी गुड, ओनली 6000 किलोमीटर डन, सो ऐसी करके कोई भी प्रॉब्लम तो टायर में नहीं है, काफ़ी अच्छा कंडीशन में है मेरा टायर अभी तक। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो स्टिकरिंग का काम है कहाँ से कराया, वो अगर चीज़ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चले जाओ, वहाँ पे एक लिंक है, जाके देख लो कहाँ से करवाया ये चीज़। अभी एक काम करते हैं, अभी लिटिल का काम होने देते हैं क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना है मुझको, एंड आई नो ये साउंड के लिए, बट क्या करें भाई ब्लॉग तो करना ही है। बाहर जाकर मिलते हैं, वहाँ हर एक डिटेल्स में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन बने रहिए ब्लॉग में, कहीं भी मत जाना क्योंकि आई शेयर दैट थर्ड सर्विस का कॉस्ट कितना आया। डिफरेंट हेयर स्टाइल डिफरेंट ड्रेस, वाई बिकॉज ये वाला पार्ट वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ 2-3 दिन बाद, भाई कुछ रीजन था इसलिए 2-3 दिन नहीं बना पाया ये वीडियो। अभी सोचे कि चलो अभी टाइम मिला तो शूट करके एडिट करके डाल देते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई इंटॉर किधर है, लिटिल किधर है, लिटिल के बारे में कुछ बताओ। तो अभी देख लो भाई, हियर इज माई लिटिल, एंड यही कंडीशन है आफ्टर दी थर्ड फ्री सर्विस फ्रॉम TVS, एंड ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, एंड 6000 किलोमीटर में होता है थर्ड फ्री सर्विस, मेरा हुआ था 6057 किलोमीटर में एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं। एंड देख लो भाई अभी कंडीशन देख लो, पूरा एकदम चकाचक कंडीशन में मेरा एंटॉर्क और लिटिल है भाई, हर रोज़ यूज़ करता हूँ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूटर है। एंड पीछे का ब्रेक शू मेरा चेंज हुआ जिसके कारण अभी पीछे का ब्रेक हो गया बहुत ही ज़बरदस्त, सामने का डिस्क पैड जो है वो भी हो गया चेंज अभी, एंड अभी तो बाहर से कुछ नहीं देख पाओगे, सामने का डिस्क पैड हो गया चेंज, पीछे का ब्रेक शू हो गया चेंज, एंड यहाँ पे ये ब्रेक लीवर काम नहीं हो रहा था, मीन्स ब्रेक लीवर तो ठीक था लेकिन ये लॉक जस्ट बिकॉज ब्रेक शू खराब हो गए थे। तो एकदम कम्प्लीटली न्यू ब्रेक शू एंड ब्रेक पैड्स इन माई लिटिल, एंड उसके बाद इंजन ऑयल हो गया चेंज। अभी जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए कि दिस डिजिटल कंसोल इज़ अ कम्प्लीट न्यू वन, देख लो पहले यहाँ पे 92 किलोमीटर शो कर रहा है, जो कि भाई 92 किलोमीटर नहीं है क्योंकि 6000 प्लस किलोमीटर मेरा स्कूटर ऑलरेडी चल चुका है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टोरी बताता हूँ, तो वो जो कंसोल था वहाँ से थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा था, लाइक घटक घटक करके जो होता है ना भाई, बहुत रिडेट करता था। तो मैं जाके थर्ड सर्विस में बोला वो चीज़, तो वो लोग जब खोले उस चीज़ को, खोलने के बाद देखे कि कुछ स्क्रूज वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसके कारण वो थोड़ा बहुत हिल गया अंदर से, तो बोले ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू TVS की वो लोग फुल एकदम नया दे दिया भाई, नया चेंज करके एकदम फिट कर दिया मेरा इंटॉर्क में, क्या बताया भाई ऐसा कौन करते हैं। मैं जब पूछा कि शोमिक सर इसका प्राइस क्या है, शोमिक सर, तो शोमिक सर ने बोला कि इसका प्राइस है 4000 रुपीज़। तो चलो भाई TVS थैंक यू सो मच, यू आर सपोर्टिंग मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड क्या बताया भाई, शुक्रिया भाई शुक्रिया। एंड अभी और एक बार देख लो भाई, इट्स टोटली न्यू, मैं कल ही इसका जो रैपर होता है उसको हटा दिया यहाँ से। जो लोग मेरा इंटॉर का वीडियो फॉलो करते हो उन लोगों को बताया कि इंश्योरेंस क्लेम के बाद ये वाला पार्ट मेरे को नहीं मिला था, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप था उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, जो कि ये वाला पार्ट भी अभी नया लगा दिया इसमें, देख लो फिट एंड फिनिश देख लो, कम्प्लीटली न्यू वन। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई अगर ये राइट पैनल और लेफ्ट पैनल चेंज करना है तो इसका प्राइसिंग क्या है। तो देखो ये राइट जो 125 का फ्रीक्वेंसी स्टिकर मेरे को लगता नहीं है कि आपको मिलने वाला है, तो ये अगर राइट पैनल आपको चाहिए 750 का मिलता है, ये वाला पोर्शन विल कॉस्ट यू लाइक 1100 रुपीज़। एंड मडगार्ड का भी सेम है क्योंकि ये पार्ट बाई पार्ट आता है, ये एक पार्ट है, तीन पार्ट कुल मिला के मेरे को लगता है कि 1000 के अंदर आराम से आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को लगा कि हाँ भाई शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछते रहे थे इंस्टाग्राम में ये वाला पार्ट्स का डिटेल्स बताओ, प्राइस बताओ। अभी
अभी मेन मुद्दे में आते हैं कि खर्चा कितना आया थर्ड फ्री सर्विस में। देखो भाई, थर्ड फ्री सर्विस में मेरा जो खर्चा आया वो है 700 रुपीज, जिसमें मेरे को इंजन ऑयल चेंज हो गया, ब्रेक पैड चेंज हो गया, ब्रेक शू चेंज हो गया, क्लीन हो गया गाड़ी, सब कुछ। एंड मैकेनिकल चार्जेस हमेशा की तरफ फ्री सर्विस में फ्री रहता है, TVS विल नॉट चार्ज। नॉट ओनली TVS, कोई भी कंपनी फ्री सर्विस में आपको मैकेनिकल चार्जेस नहीं लेगा। सो क्या बताया भाई, अब मेरा एकदम इंटॉक रेडी है, अभी चलाओ और 3000 किलोमीटर, उसके बाद फोर्थ फ्री सर्विस है, मींस लास्ट फ्री सर्विस। और एक इन्फॉर्मेशन मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई, आप लोगों को देना चाहिए, जो कि मेरा हेयर स्टाइल क्या है भाई, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया लग रहा है। माइलेज अभी इंटॉक का थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। थर्ड सर्विस करवाया उसके बाद देखा और भी ज़्यादा, मीन्स 40 किलोमीटर के आसपास मेरे को मिल रहा है अभी सिटी कंडीशन में, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, थोड़ा बहुत खींच के चला रहे तब भी 39 से 40 किलोमीटर आराम से आ जा रहे हैं, तो बातें बहुत अच्छा है। बिल आप लोगों को शो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे मेरा घर का डिटेल्स, मेरा बाबा का डिटेल्स, मेरा नंबर एंड हर एक डिटेल्स भाई बिल में रहता है, तो इसलिए आई एम नॉट शोइंग द बिल। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ID है, तो जाके प्लीज 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 DM कर लो, पूछ लो, आई विल डेफिनेटली आंसर विद यू। एंड वो मशहूर वाला आउटर के साथ एंड करते हैं, आज तो कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, दिबांगामा आपका भाई, जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सुनंदा नेक्स्ट वीडियो। एंड हेयर स्टाइल बहुत ही खराब हो गया है, जो कि मेरे को अभी पता चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।